Hero. तर होगा दूर ही रहो हमसे। अब सब कुछ ठीक है ओके? जरा देखो उसे, वो अब शांत है। वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी, मेरा यकीन करो। नहीं, उन्हें कुछ मत करना। सबके सब दरिंदे हो, तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्यों किया तुमने ऐसा? कोई नहीं आ रहा है।
दांत। क्या सोच रहे हो? आजा भाई, घर आ गया। ए! बंकर का दरवाजा खोलो। रेस, बता क्या लाए हो? एक लड़का है, 20 साल का होगा। फिलहाल दिमाग सुन है, लेकिन कंडीशन ठीक है। ले लो इसे। यस सर। खड़ा हो जा। चल। अरे वाह, बहुत बढ़िया, काफी मजबूत माल है। बहुत ही प्यारी खोपड़ी है इसकी। अंदर ले जाओ इसे। यस सर। चल। सही जा रहे हो रेस, बहुत बढ़िया। तुमने पकड़ा इसे। चल नीचे। हाँ, बस हो गया। दवा बनाने में और कितना वक्त लगेगा? हाँ, जल्दी बना लेंगे। एक हाइब्रिड और मिली है। कहाँ? सेक्टर 8, 100 मीटर उत्तर की ओर। इन दोनों का क्या करना है? मारना है और क्या? कमीने हैं साले, हाइब्रिड्स हैं। लड़की हम रख लेंगे, तुम उस कमीने को गोली मार देना जिसने तुम्हारे भाई को मारा। क्रैम्प आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसका इलाज चल रहा है। अच्छा, मुझे अंदर जाने की जरूरत है। जाओ सोल्जर, गुड लक। उसे जिंदा लेकर आना, वरना अपना मुंह मत दिखाना, समझ गए? हाँ। सुवर की औलाद। बंकर का दरवाजा बंद करो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने मेरे गले पे काटा मैक्सी, फिर भी तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हाँ तो गलती हमारी थी। तुम्हारा मतलब मैं वहाँ बैठी रहती और जो हो रहा था होने देती? वो एक सोल्जर है, वो औरत बीमार है और खतरनाक भी। वो और उसका भाई दोनों दरिंदे बन गए थे। हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। अंकल बैनी तो करते थे। अंकल बैनी मर चुके हैं। ग्रेस? अरे नहीं, ये लो। चलो चलते हैं।
क्या चल रहा है दोस्त? मैंने कहा ना, जब मैं काम कर रहा हूँ किसी को अंदर मत ले आया करो। आप सही कह रहे थे सर्जेंट, चोरी छिपे सर्जन जनरल खुद का इलाज कर रहे हैं। अपनी बंदूक निकालो। यस कर्नल। उस तरफ जाओ और भेजा उड़ा दो इसका। यस सर। देखो मेरी बात सुनो। रुको, मेरी बात सुनो। तुम्हें अपनी बीमारी छुपा कर रखनी चाहिए। क्या किया तुम्हें? इतना जरूरी था ये? हाँ। ये सब मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा तुम्हें। सीधा गोलियां दाग दूंगा तुम्हारे भेजे में। और फिर ये सीरम कौन बना के देगा तुम्हें? इस महीने हम सीरम का कोटा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि फिर हेडक्वार्टर से सवाल पूछे जाएंगे। बाहर में जाए वो। वैसे भी हमें बस इस लड़की की जरूरत है, और बहुत जल्द हमें वो मिलने वाली है। आखिर ये हो क्या रहा है तुम्हें? तुम हाइब्रिड हो? मुझे नहीं लगता बैरल रखने की जरूरत है। तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओए ओए ओए, उसे कहाँ ले जा रहे हो बेवकूफो? मेरी गाड़ी चलती है उससे। वो छोड़ो, पहले तुम इधर आओ सोल्जर। यस सर। आप किसे लाए हो? लड़की है 20 साल के आसपास, वो हाइब्रिड है। जाओ लेकर आओ उसे। यस सर। यस सर। इसके पैरों पर गोली मारो। अरे रुको 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 रुको, मैं शांत कर सकता हूं। रुको, मैं इसे शांत कर सकता हूं, यकीन मानो। ठीक से पकड़ो। हिलो मत, हिलो मत। बस हो गया, बस हो गया, हो गया। हां बस बस हो गया, हो गया, बस हो गया, सब ठीक हो जाएगा। मुझ पे भरोसा रखो। अंदर लेकर जाओ इसे। यस सर। ओ हटाए इसे बेवकूफ का। ए ए, मुझे बताओ तुम इसके साथ क्या करने वाले हो? अगर इलाज के लिए ये काम आएगी तो मुझे बताना होगा। अपने ट्रक में जाओ और बैरल जहां रखने को कहा है वहां रख दो। जाओ दफा हो जाओ। Yeah!
तुझे लेने तो मैं कल आऊंगा। मैं ही हूँ, अभी बंदूक नीचे कर। बैरल्स लेकर आया हूँ। कैसे हो? ये बंकर के लिए है? बंकर के लोगों के लिए है ना? ठीक है, बैरल्स पीछे रखें। यस सर। हो जाओ, आराम से, आराम से। अब तुम मुझे ये बताओगे कि मेरी बहन कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगी। उड़ा दो, कौन है तुम्हारी बहन? हम दोनों अभी वहां जा रहे हैं। तुम्हें इस चोट का इलाज करना होगा।
अगर नहीं किया तो सेप्टिसीमिया से तुम मर सकती हो। ठीक कहा, और इसके लिए तुम्हारे हाथ खोलने होंगे है ना? देखो कोई रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। मेरी बात सुनो, जरा ट्रिगर से अपनी उंगली दूर हटाओगे? चुपचाप अपना काम करो। अरे धीरे, हाथ ऊपर करो। ऊपर ऊपर ही है। गाड़ी स्टार्ट करो। गोली की वजह से जिंदा हूं। तुम इन्हें क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि वो टेररिस्ट है, खूनी है। मैं ऐसा कुछ नहीं करता। मैंने वो लाशें देखी हैं। तुम लोगों का अपहरण करके उन्हें मारते हो। हम कभी किसी को नहीं मारते। हमारा सामान लाए रेस। हाँ, हाइब्रिड लड़की की बहन है। क्या बात है, काफी काम कर रहे हो रेस। बहुत अच्छे सोल्जर। थैंक यू। लेकर आओ उसे। यस सर। चलो 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 चुपचाप। अरे अरे आराम से पकड़ उसे, छोटी बच्ची है, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी पैरल में ही जाने वाली है। क्या कहा तूने? अच्छा, क्या कहा इसने? पैरल में ही जाने वाली है से क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि अपना ट्रक लो और दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने कहा अपना ट्रक लो और दफा हो जाओ। जा रहा हूं। Shit!
डरो मत, वो हमें नहीं पकड़ पाएंगे। चलो उठो उठो। लगा निशाने पे। कैसा लग रहा है सोल्जर? मजा आ रहा है तुम्हें? दर्द हो रहा है ना? यहां गद्दारों को मौत की सजा मिलती है सोल्जर, और तुम गद्दार हो। तुम्हें क्या लगा था मुझे मारकर भाग जाओगे? एक सैनिक की मौत नहीं मरोगे तुम, तुम्हारा भाई इज्जत की मौत मरा, बिल्कुल मर्द की तरह। मर्द निकले हैं? नहीं, डरपोक हो तुम, गंदी नाली में रहने वाले कीड़े, और एक कीड़े की मौत मरोगे तुम। वो पीछे देख रहे हो, वो सब वहां? नहीं, कुछ ही मिनटों में यहां पहुंच जाएंगे, और यहां पहुंचते ही तुम्हें नोच के खा जाएंगे। पहले तुम्हारे पंजे, फिर तुम्हारे पैर, फिर अखरोट। मजा आएगा। खुद को बहादुर समझते हो? देखे कितना दम है, हमें भी दिखाओ। अपनी मौत को एंजॉय करो। देखो 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 देखो, हमें कौन मिला है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमने तो इसे ठिकाने लगा दिया था ना? वो मेरा भाई था। तुम्हारा भाई? मतलब जुड़वा? तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई एक नंबर का कमीना था। उसे उसके किए की सजा मिल गई। मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसा नहीं होगा। जब तक मैं ना कहूं, तुम्हें चुपचाप यहीं बैठना है और मेरे हाथों से मरना होगा। तुम ही हो जिसने उनकी गाड़ी को उड़ाया था। तुम ही हो जिसने ग्रेस को उनका साइयों के हवाले कर दिया।
वैसे मैक्सी ने बताया कि तुमने उसकी जान बचाई, मगर फिर भी मुझे तुम पर दया नहीं आ रही। ये चेहरा, मुझे नफरत है इस चेहरे से। सही कहा, ये चेहरा सच में मनहूस है। ये चेहरा इसे फाड़ कर खाना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैक्सी, इसे मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए? मार दो इसे। क्या कहते हो सिपाही, हमारे दोस्त बनोगे या फिर काट लो तुम्हें? दोस्त, सच्चा दोस्त बनूंगा। और कितने लोग हैं वहां पर? 5, 2 बाहर हैं, 2 अंदर हैं और 1 डॉक्टर। और सामान क्या है वहां? कुछ ज्यादा नहीं, राइफल, बंदूकें, पिस्तौल, हथगोले। हम उन पर हमला करते हैं तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। खोलो, मुझे खोल दो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। इस तरह से खास क्यों रहे हो? लगता है तुम बीमार हो, इसे ढूंढ रहे हो। क्या है ये? मुझे नहीं पता। दे दो उसे। अरे तुमने ये क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया। क्या मतलब कुछ नहीं किया? मुझे नहीं पता था कि वो लोग उन्हें मारते हैं। झूठ बोल रहे हो। लगता है तुम्हारे मानने ना मानने से मुझे कुछ फर्क पड़ता है? ब्रूक, तुम जानते थे। तुम ठीक हो? क्या तुम हमें वहां ले चलोगी? चलो। Oh,
मैंने इसे कुछ दिन पहले उठाया था, यही आसपास से। अब पता चला? बंकर में ले जाकर क्या करते हो इनके साथ? हम इनकी बॉडी में सीरम बनाते हैं और निकालते हैं। क्या वो सीरम लोगों को ठीक करता है? पूरी तरह नहीं, बस कुछ देर के लिए ठीक करता है ताकि वायरस अपनी पकड़ ना बना सके। देखो, एक साल चलेगा, इतना मेडिकल सप्लाई मैं तुम्हें दे सकता हूँ। सैकड़ों राउंड गोला बारूद है, बहुत सारे बम है, जो भी तुम चाहो दे सकता हूँ। बैरल्स का क्या काम है? वो तुम्हें पता होना चाहिए। बताता हूँ, हम उसे पीसते हैं और उसका पाउडर बनाते हैं। दवाई, हम दवाई बनाते हैं। हटो वरना मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। ये लोग कसाई हैं, इन्होंने मेरा इस्तेमाल किया, अब मैं तुम लोगों के साथ उस बंकर के अंदर आ रहा हूं। हम सब मिलकर वहां मौजूद लोगों को मार देंगे। मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक है, चलो। कर्नल, आप ठीक हैं? ठीक हो, यहां क्यों आए हो? जाओ बाहर जाकर अपनी ड्यूटी करो। कर्नल, नशा करना चाहोगे? नहीं, रुको। ये इतना आसान नहीं है। देखो, इसके साथ वैसा नहीं कर सकते जैसा हम लोग दूसरों के साथ करते, वरना बात बहुत बिगड़ सकती है। बाहर गड़बड़ हो गई है कर्नल। तुम लोग अपना ही बचोगे। इतनी देर क्यों लग रही है? कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं, वो आते ही होंगे। तैयार हो जाओ, आओ चलो। Thank you.
जाओ तुम ब्रुक को पकड़ो, बैरी और रेस को मैं देखता हूँ। ठीक है चलेगा। मेरे आने तक इसका काम तमाम कर देना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं रेस को मार दूंगा। यकीन मानो तुम ये गलत फहमी मत रखना कि मैं नशे में बात कर रहा हूँ, मार दूंगा मैं। यार अब ये सब क्या है? चिंता मत करो, ये धुआं बस वायरस को मारने के लिए है। तुम्हें यकीन है ना? जिंदा है, दरवाजा खोलो। तेरी की यार तुम क्या कर रहे हो? सॉरी। अब मेरी बारी। हाल है दोस्तों? बंदूक फेंक दो वरना मैं इसे भून डालूंगा। पिस्तौल भी इस तरफ फेंको बच्चों। शाबाश। नहीं रुको, उसे छोड़ दो। इसी ने तुम्हारे भाई को मारा था ना? हिसाब बराबर। देखा कैसे मारा? अगर कोई कमीना मेरे भाई को मारता तो फिर मैं उसे ऐसे ही तड़पा तड़पा के मार देता। कैसी हो डार्लिंग? देखो बुरा ना मानना अगर मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ के थोड़ा सा सिरप बना लूं। Thank you.
तुम मरे नहीं, अभी भी जिंदा हो। इतना मारा कि तुम्हारी अंदरियां बाहर निकली, तुम्हें तो मरना चाहिए था। कौन सी चक्की का आटा खाते हो तुम? आरिस, तुम्हें इस तरह देखकर बहुत बुरा लग रहा है। यकीन मानो मैं नहीं बता सकता कि तुम्हें मारते हुए मुझे कितना दुख हो रहा है। आखिरकार तुमने मेरी जान बचाई थी क्या? तुम्हारी वजह से रिस मैं जिंदा हूं। पूरे साल तुम कितनी सारी डिलीवरियां करते रहे हो। बाहर में जाओ। ये क्या बदबू है? तुम जादू में क्या सूंघ रहा हूं रिस? एक ऐसी बदबू जो मैंने कभी नहीं सोचा मेरे दोस्त से आएगी। भेजा, मैं तुम्हारी खोपड़ी कुचल कर तुम्हारा दिमाग निकाल कर उसे खा जाऊंगा। डिलीवरी बॉय, Thank you.
अभी अभी फिल फैक्ट्री 5 से आए हैं और वहाँ बहुत खून खराबा हो चुका है। तुम्हारे सेक्टर में सब कुछ ठीक है? तुम सब लोग यहाँ पर जल्दी आओ। मेरी चिंता मत करो, हमें वो दरवाजा खोलना होगा। ब्रूक, तुम ठीक हो? ब्रूक, ब्रूक? ओह नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रुक जाओ, उसे मत मारो। फिर अब मैं क्या करूं? इधर आओ जल्दी। अब क्या करें? हमें उसे कैसे भी बचाना होगा। खून की डिब्बी दो। अरे यार, जल्दी दो। ये क्या, सारी टूट गई, सब की सब। यार, खून पीने से ही वो शांत होगी, है ना? हाँ, मैं उसे शांत कर सकता हूं। तो फिर जल्दी करो ना। जाओ! हट जाओ, हट जाओ। निकालो। कोई बात नहीं, मुझे उठाओ। ये जगह धमाके से उठने वाली है, बाहर निकलने के लिए सिर्फ 30 सेकंड है। लिफ्ट में चलो जल्दी। क्या कर रही हो? अंदर जाओ जल्दी। चलो आओ। तुम दोनों नहीं आओगे? इसकी रक्षा करना। बाहर निकलने के लिए 10 सेकंड बचे हैं। 9 8 7
ग्रेस को कहाँ ले गए? जगह को छान मारो, ढूंढो उसे। शिट। अब क्या करेंगे हम? ओह यस। हे, हे, उठ मेरे दोस्त। शिट। उधर देखो, बस हो गया। ये ले भाई, नाश्ते का समय हो गया। ले ठूस, अबे ठूस ना। हाँ, ये बात। ये स्टिक मेरी नाक में डालो। तुम्हारी नाक में डालूं? पर क्यों? तू साले मुझसे जबान लड़ाने की कोशिश कर रहा है कमज़र्द। मैंने कहा ना, ये स्टिक ले और मेरी नाक में घुसेड़, समझा? मैं करता हूं। और सुनो, घुसेड़ों से मेरा मतलब ये नहीं था कि जोर से, आराम से, आराम से डालना। ओके, जानता था ये इन्फेक्टेड है।